एससीआर का, क्लियर? तो एक एससीआर जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है अपने पूरे पॉजिटिव वेव फॉर्म, क्योंकि एससीआर क्या करता है, हमको जो कंट्रोल देता है वो सिर्फ एक ही साइड डायरेक्शन में देता है ना, एक ही हाफ साइकिल के लिए देता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर वो पॉजिटिव वेव फॉर्म में कंट्रोल करके देता है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फेज शिफ्ट टेक्निक है, इसके थ्रू हम पॉजिटिव वेव फॉर्म के फेज शिफ्ट को हम फेज शिफ्ट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है ना। तो जैसा कि ये टर्म है आपका फेस शिफ्टिंग, इसका क्या मतलब होता है, शिफ्ट करना है हमको फेस को, ठीक है। अब इसको हमको एक जो आपके पास फेस मिल रहा है ना, उसके फेस को हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है किसी अदर रेफरेंस फेस में, क्लियर। अब इस मोमेंट में क्या होगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जो है वो भी शिफ्ट होना चाहिए, शिफ्टेड टू दी आउट ऑफ फेस। अब इसके लिए हमको क्या होना होगा कि जो हमारा जो एनोड का वोल्टेज है और हमारा जो गेट का वोल्टेज है, दोनों का जो फेस है अलग अलग होना चाहिए, ठीक। अब इसी वजह से हम एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम एनोड जो आपका एनोड में हम वोल्टेज दे रहे हैं उसका फेस हम गेट के फेस से अलग कर सकें, क्लियर, समझ में। अब इसमें क्या कर रहे हैं, फेस शिफ्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो गेट सर्किट है वो सेपरेट रहता है ना, किससे, एससीआर के सर्किट से, जो आपका एनोड है ना उसके सर्किट से, क्लियर। तो डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे जो एसी सप्लाई है उससे हम एक 240 वोल्ट का जो है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है ना, उसको हम, उसमें से हम दो सप्लाई लिए हैं, उसके बाद जो है एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू, ठीक, जिसमें D1 D2 दो क्या लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं, उसके थ्रू हम एक यूजेटी को फीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक कैपेसिटर है 1 माइक्रो फैराड का। इसमें दो रजिस्टर, इसमें टोटल 4 रजिस्टर्स हैं, R3 R4 तो हमको दिख रहा है, ठीक है, R3 330 ओम का है और R4 3.3 किलो ओम का है, लेकिन जो R1 है आपका वो वेरिएबल रजिस्टर है, वो दिख नहीं रहा, ठीक है, मेंशन नहीं है वो। तो जो वेरिएबल रजिस्टर है वो आपका क्या है, वो R1 है, और उसी के नीचे जो दूसरा रजिस्टर है वो क्या है आपका, R2 है, क्लियर। अब जो एसी सप्लाई है वो जो डायरेक्ट सप्लाई जो गई है ना, वो किससे मिला हुआ है, वो मिला है आपके एससीआर के एनोड से, ठीक। हाँ, अब इसी एससीआर का आउटपुट जो है डायरेक्ट जाके कहाँ मिल रहा है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के में मिल रहा है, सेकेंडरी में, सेंटर सेंटर टैपिंग में मिल रहा है, ठीक है। फिर इसका जो गेट है वो किससे कनेक्टेड है, यूजेटी के बेस 2 से, क्लियर, यूजेटी के बेस से मिल रहा है। फाइनली जो आउटपुट है वो आपका लोड से कनेक्टेड है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये 240 नहीं है, 24 वोल्ट का है, ठीक है, 24 वोल्ट का सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जो कि यूज कर रहे हैं हम आइसोलेट करने के लिए। किसको आइसोलेट कर रहे हैं, गेट सर्किट को एससीआर के एनोड सर्किट से आइसोलेट करने के लिए, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, हम एक डायोड, दो डायोड ले रहे हैं, D1 D2, ठीक है, और ये जो दो डायोड हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेंगे, क्लियर। अब इस यूजेटी को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों डायोड का यूज करते हैं, क्लियर। तो रजिस्टर R1 इज यूज टू डिटरमाइन दी पल्स रेट ऑफ द यूजेटी, ठीक है। हाँ, सर ये थायरिस्टर का जो गेट टर्मिनल है उसमें क्या कुछ ब्लर मारा है कि क्या है सर, वो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा नहीं दिख रहा है क्या? मैं सर दिख रहा नहीं, पता क्या है, छोटा सा चीज है सर, एससीआर में जुड़ा है कि क्या है,
देख लेंगे। अरे वो ना कर्सर होगा, वो कुछ नहीं है वो। हाँ, वो कुछ कुछ नहीं है, वो लाइन है बस। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रजिस्टर R1 इज यूज टू डिटरमाइन दी पल्स रेट ऑफ दी UJT। ठीक है, जो ये पल्स रेट है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए अपन R1 का यूज कर रहे हैं। अगर हम सपोज मान, और उसके बाद इसमें आपका जो कैपेसिटर C1 है ना, जो UJT है, उसको कैपेसिटर C1 के जो चार्जेस है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए R1 का यूज करते हैं, R1 को वेरी करते हैं, जिसकी वजह से जो चार्जेस का फ्लो है ना UJT में, वो कंट्रोल होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है, आपका UJT को अपन ऑपरेट करते हैं। क्लियर। अब रजिस्टर R2 इज यूज टू लिमिट द करंट थ्रू एमिटर ऑफ द UJT। जो R2 है वो क्या होता है कि लिमिट करता है करंट के फ्लो को एमिटर से। क्लियर। अब ये जो रजिस्टर R1 है, ठीक है, अब ये जो रजिस्टर R1 है वो, उसको हम एडजस्ट करते हैं कितने में, 0 ओम में। ठीक, तो रजिस्टर R3 क्या करेगा, लिमिट करेगा करंट। ठीक है, R3 क्या करेगा, करंट को लिमिट करेगा बेस 1 का, थ्रू बेस 1 टू बेस 2 सेक्शन। मतलब ये जो R3 है ना, ये जो बेस 1 से बेस 2 में जो करंट फ्लो हो रही है, उसको लिमिट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक, सबकी फंक्शंस जान लो पहले, R1, R2, R3, R4 का क्या यूज हो रहा है, कैपेसिटर C1 जो है उसका क्या यूज है। ठीक, तो ये जो ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, चार्ज कर देता है कैपेसिटर को। अब इस कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगी। अब उस करंट फ्लो को हमको कंट्रोल करना है, एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम R1 और R2 यूज करेंगे। R1 को वैरी करके क्या करेक्ट करना है, SCR का। क्लियर। तो एक SCR जो है ना, वो कंट्रोल कर सकता है अपने पूरे पॉजिटिव वेवफॉर्म।